लगभग 10 लाख लोगों को केवल रेल विभाग में नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन किया क्या? किया ये कि अभी तक जो सामान्य वर्ग की भर्ती होती है, ध्यान सुनिएगा, रेल विभाग ने ये किया कि अभी तक जिसकी अधिकतम आयु होती थी 28 वर्ष, जिसकी अधिकतम आयु होती थी 30 वर्ष, 30 वर्ष तक सामान्य वर्ग के लोग नौकरी में जा सकते थे। रेल मंत्री जी ने उसको 2 साल घटा करके 28 साल कर दिया। यानी जो लड़के 2 साल तक नौकरी पा सकते थे, जो लड़कियां पा सकती थी, आपने उनको भी उनके हाथ से छीन लिया। 10 लाख की जगह 10 भर्तियां भी आपने नहीं की। मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ पर ईयर हम भर्ती करेंगे, नौकरी देंगे। क्या हुआ भाई 2 करोड़ का? क्या हुआ 2 करोड़ का? आज बेरोजगार लखनऊ में धरना दे रहे हैं, लड़की लड़कियां भूखे मारे फिर रहे हैं। वाहरे मोदी जी, अच्छे दिन आने वाले। क्या कहने मोदी जी आपके? जब जब मैं मंत्री रहा, मैं गिनाना नहीं चाहता क्या क्या किया मेरे डिपार्टमेंट से ही। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जो सहारनपुर वासियों ने, जिले वासियों ने, शहर वासियों ने सोचा तक नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद वो तोहफे माननीय इमरान मसूद साहब, माननीय विधायक जी हमारे सहारनपुर देहात से, जो और भी जीतेंगे उनकी रिकमेंडेशन पे वो सारे काम होंगे, बेरोजगारी दूर होगी, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम होगा। आप इंतजार मानने के लिए 2007 से 2012 के बीच में आपके डिपार्टमेंट से मुख्यमंत्री थे, मैं विपक्ष में विधायक था, लेकिन आपके डिपार्टमेंट से, आप भी जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, आप भी जानते हो, जो काम घाट क्षेत्र में आपके विभाग से हो गया, उसके बाद से आज तक विकास नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, 8 साल हो गए, 8 साल पहले जो काम हो गए थे वो अभी तक नहीं हुआ। ये मेरा गृह जनपद मान लीजिए, मैंने अपने जीवन का 14 साल इस जिले में बिताया है, और जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ केवल 8 साल बिताए। तो ये माने इससे कि इमरान मसूद हमारे यहाँ के नुमाइंदगी करेंगे, इसमें शक क्या? मानने की क्या जरूरत? पक्का है।